लखनऊ में पोस्टर वॉर जारी, नए पोस्टर हो रहे लॉन्च, बसपा सपा मैदान में। भाजपा का नया पोस्टर, अली नहीं बजरंग बली चाहिए, रावण नहीं राम चाहिए। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर के सामने, जीतेंगे तो लूटेंगे का पोस्टर। बसपा ने लगाए पोस्टर, बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। यूपी उपचुनावों को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है, सपा और बीजेपी के बीच पोस्टर वॉर जारी है। यूपी में उपचुनाव को लेकर इस बार पार्टियां पोस्टर के माध्यम से एक दूसरे पर वार कर रही हैं। वही रोज कहीं ना कहीं कोई ना कोई नया पोस्टर रिलीज हो रहा है। चुनावी जंग में पोस्टर से जुड़ी नई खबरें ये हैं कि समाजवादी पार्टी की ओर से फिर एक नया पोस्टर लगाया गया, बटेंगे तो कटेंगे के विरोध में एसपी ने पोस्टर लगाया जिसमें लिखा है कि अली भी है बजरंग बली भी है। इस भूमिका में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर फिर एक नया पोस्टर लगा है। ये पोस्टर सपा कार्यकर्ता अभिषेक वाजपेयी ने लगवाया है। इस बार के पोस्टर में ये बात लिखी है कि पीडीए की होगी जीत, एकता की होगी जीत, अली भी है बजरंग बली भी है, संग पीडीए के एकता की टोली भी है, जिसे देख विरोधियों में मच गई खलबली भी है। इसी कड़ी में मंगलवार को भाजपा का एक नया पोस्टर सामने आया है। इसमें लिखा गया कि बटेंगे तो कटेंगे, अली नहीं बजरंग बली चाहिए, वही करहल से अयोध्या तक चाहिए, रावण नहीं राम चाहिए। इस पोस्टर पर ध्यान देने वाली विशेष बात यह है कि इसमें सीएम योगी की गुस्से से भरे चेहरे की तस्वीर लगाई गई। इससे पहले के पोस्टरों में ये देखने को नहीं मिली। बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ के कटेंगे तो बटेंगे बयान को लेकर यूपी में पोस्टर वॉर शुरू हो गई है। इसके बाद से लगभग हर दिन अलग अलग पार्टियां अलग अलग पोस्टर लगा रही हैं। इसमें कई तरह के नारे लिखकर एक दूसरे को घेरा जा रहा है। बटेंगे तो कटेंगे के बयान पर सपा ने जुटेंगे तो जीतेंगे का नारा दिया है। वही बसपा ने नारा दिया कि बसपा से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और सुरक्षित रहेंगे। इससे पहले मंगलवार को सुबह ही अमेठी में समाजवादी पार्टी की महिला जिलाध्यक्ष गुंजन सिंह ने अम्बेडकर तिराहे पर यह पोस्टर लगाया। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को 27 का सत्ताधीश बताया गया। वही पोस्टर में लिखा है कि अखिलेश का फियर है, भाजपा का अंत नियर है, इसके अलावा जितना चुनाव टालोगे उतना बुरा हारोगे के नारे को दोहराया गया। इसी तरह के पोस्टर कांग्रेस कार्यालय के बाहर लखनऊ में लगाए गए। इसके माध्यम से भाजपा पर निशाना भी साधा गया। इन पोस्टर पर संदेश लिखा हुआ है कि अगर तुम हमको बांटोगे तो हम तुमको उखाड़ फेंकेंगे। इस पोस्टर में भाजपा का प्रतीक चिन्ह कमल का निशान बनाया गया, जिसमें भाजपा को धार्मिक उन्माद फैलाने वाली, झूठी और जुमले देने वाली, भ्रष्टाचार करने वाली, महिला उत्पीड़न को न रोक पाने वाली, बेरोजगार बढ़ाने वाली और बुलडोजर राज देने वाली सरकार के रूप में दिखाया गया। बता दें कि लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र नेता आर्यन मिश्रा के लगाए गए पोस्टर में संदेश दिया गया कि बटोगे तो कटोगे का नारा देने वालों के मंसूबे तोड़ेंगे, हम इंडिया गठबंधन के सिपाही यूपी में मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। वही सपा और बीजेपी के बीच चल रहे पोस्टर वॉर के बीच अब बहुजन समाज पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। लखनऊ के बसपा कार्यालय के बाहर नया पोस्टर लगाया गया जिसमें लिखा है कि बीएसपी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे व सुरक्षित भी रहेंगे। वही पोस्ट में मायावती के साथ आकाश आनंद का भी तस्वीर है। ऐसे में ये स्पष्ट है कि इस बार यूपी विधानसभा उपचुनाव में आकाश आनंद में सक्रिय भूमिका में नजर आएंगे।